अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल MCS एंड व्लॉग्स। तो आज जो है हम अब्दुल्ला को लेकर आए चिड़ियाघर, ये सोच कर कि अब्दुल्ला यहाँ खुश होंगे, अब्दुल्ला का जो है मज़ा आएगा। चिड़ियाघर हम बहुत ज़माने पहले आए थे, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब हम आए थे, और अब हम आए अब्दुल्ला को लेकर चिड़ियाघर। तो सोचा कि इसको चिड़ियाघर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो हमें बहुत ही मतलब मायूसी हो गई देख कर कि चिड़ियाघर में जो है जानवर तो बहुत ही कम थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काला हिरन है, और वो भी बस एक ही बेचारा अंदर मुश्किल से होगा। फिर उसके बाद यहाँ हाथी दिखाने लाए तो यहाँ पर हाथी भी बस एक ही था। पहले जब हम आया करते थे तो हमें याद है कि तीन चार हाथी हुआ करते थे, और ये वो काफ़ी मतलब मज़ा आता था चिड़ियाघर में। और लोग भी काफ़ी होते थे, ना लोग थे इतने ज़्यादा और ना ही जानवर थे, ना लोग थे ना जानवर थे, बस चिड़ियाघर खाली खाली सा ही था। और सब जो थे यहाँ पर हाथी को जो है खाना वगैरह खिला रहे थे, फ्रूट्स वगैरह दे रहे थे, कर रहे थे। और हाथी पर भी टिकट लगाई हुई थी, मतलब जहाँ पर जानवर थे वहाँ पर टिकट लगी हुई थी। तो यहाँ एक हाथी था तो हाथी पर टिकट लगी हुई थी, और जहाँ पर जानवर नहीं थे तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, बस जहाँ जानवर थे वहाँ हर जगह अलग 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 टिकट। पहले हमें याद है जब हम लोग पहले आया करते थे तो बस एंट्री टिकट होती थी, उसके अलावा बाकी अलग अलग टिकट तो नहीं होती थी, बस जो एंट्री टिकट होती थी तो वही होती थी बस, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं होती थी। लेकिन अब जो है ना हर जगह अलग अलग टिकट्स लगाई हुई हैं। फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर शुतुरमुर्ग घूम रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो थे क्रोकोडाइल्स थे, मेरे ख्याल में मुश्किल से बस एक ही या दो क्रोकोडाइल होंगे, ज़्यादा क्रोकोडाइल्स भी नहीं थे, मुश्किल से एक दो क्रोकोडाइल थे। उनकी भी बेचारों की मरने वाली हालत हुई हुई थी, और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रहे थे, और बिल्कुल भी जो है ना बस एक ही जगह, वो बिल्कुल मूव भी नहीं हो रहे थे, यहाँ से वहाँ बस जहाँ थे वहीं थे, ना ही कोई ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे, बस एक ही जगह पर ना सुस्त से पड़े हुए थे क्रोकोडाइल्स, ना बस अधमरे से एक ही जगह पर पड़े हुए थे ये भी। और फिर हमने अब्दुल्ला को ये भी दिखाए, अब यहाँ पे गिल्स जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर वो हुई हुई थी, तो इससे ज़्यादा सही से नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये है कि थे मतलब क्रोकोडाइल थे, लेकिन बस दो या तीन ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और अब्दुल्ला को फिर हमने यहाँ पे क्रोकोडाइल्स दिखाए, क्योंकि कुछ कुछ एनिमल्स ही थे, मुश्किल से बहुत कम वैसे तो थे ही नहीं जो थे, तो हमने कहा चलो ये तो दिखाएं। और बाकी सफाई का बिल्कुल भी कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था, मतलब मतलब क्लीन बिल्कुल भी नहीं था, हर जगह गंद कचरा यहाँ वहाँ, और मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पर सफाई का अमला भी शायद अपना काम नहीं कर रहा या मौजूद ही नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मतलब सफाई का भी कोई ख़ास निज़ाम था नहीं। और स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब वो वैसा चिड़ियाघर था नहीं जैसा मतलब पहले हुआ करता था। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने सोचा इसको दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी जो थी हिरने ही थी, और यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर डक्स वगैरह, यहाँ पर परिंदे वगैरह यहाँ पर थे, ये परिंदों का सेक्शन है, बर्ड्स के सेक्शन में अब हम लोग आ गए। तो यहाँ पर ये कबूतरों का है, तो कबूतर तो वैसे ही कराची में इतने ज़्यादा हैं, तो उन लोगों ने कुछ ला के यहाँ भी रख दिए कि लोग और कुछ देखें ना देखें, कबूतर देख के चले जाएँ, वो तो वैसे भी कराची में हर जगह आप लोगों को नज़र आते ही हैं। फिर इस तरफ हम आए, ये पिंजरा भी खाली था, यहाँ पर भी मतलब कोई परिंदे वरिंदे कुछ नहीं थे। फिर दूसरे यहाँ पर आए तो यहाँ पर तीन चार जो थे पैरट्स वगैरह यहाँ पर थे, इतने नहीं थे लेकिन थोड़े बहुत थे यहाँ पर। फिर ये वाला पिंजरा देखा, ये भी खाली, ये भी खाली, ये वाला था, यहाँ पर थोड़े थोड़े से ऑस्ट्रेलियन बर्ड थे, तीन चार बस, और ऑस्ट्रेलियन बर्ड तो वैसे ही आम खास जो है होते ही हैं मतलब। तो फिर यहाँ पर मतलब परिंदों का मतलब पूरा ही खाली था, कोई ख़ास यहाँ पर परिंदे मौजूद नहीं थे। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर हाँ तोते थे, ये जो काकाटू वगैरह जो होते हैं ना वो यहाँ पर मौजूद थे, वो भी बस दो ही थे। बंगाली पैरट है, और ये जो है बंगाली पैरट्स हैं यहाँ पर, इनका नाम बंगाली पैरट्स लिखा हुआ है। और जो थे ये वाला पिंजरा भी खाली था, पता नहीं यहाँ पर पहले क्या था। और शेर वगैरह भी नहीं दिखा सके हम अब्दुल्ला को, हमने सोचा था हम शेर दिखाएंगे लेकिन वो भी नहीं थे, क्योंकि जो थे थे लेकिन उस तरफ रोड बना हुआ था, और उसके उस तरफ जाना तो था नहीं, क्योंकि वहाँ पे रोड बन रहा था, तो वहाँ से दूर से इतने नज़र नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर शेर हम अब्दुल्ला को मतलब नहीं दिखा सके। तो हमने सोचा था हम अब्दुल्ला को शायद काफ़ी सारे एनिमल्स दिखाएंगे, अब्दुल्ला खुश होगा। मंकी थे यहाँ पर, और स्मेल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, और मंकी भी जैसे पहले आते थे ना, मंकी इतने सारे भरे पड़े होते थे यहाँ पर अंदर, बहुत सारे होते थे। इस दफ़ा जब हम आए तो देखा मुश्किल से मंकी भी मतलब मंकी तक नहीं थे, मतलब मुश्किल से दो या तीन मंकी थे, लेकिन मंकीज भी नहीं थे यहाँ पर ना। फिर जो है बाकी जहाँ जहाँ कुछ था वहाँ जो था टिकट लगा हुआ था, एक्वेरियम गए वहाँ पर अलग टिकट,
और इस तरह से ना अलग अलग टिकट्स हर जगह पर इन लोगों ने लगा रखे थे। अब जो है यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर भी आई थिंक मोर वगैरह मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी हमने देखा पिंजरा तो काफ़ी अच्छा था, पिंजरे काफ़ी सारे हैं और बहुत बड़े बड़े खूबसूरत पिंजरे हैं, लेकिन मसला ये है कि जानवर नहीं है पिंजरों में ना, बाकी लोग भी ज़्यादा नहीं थे और एनिमल्स भी नहीं थे, मतलब वो रौनक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी जू में ना। जो लोग आ रहे थे मतलब जिस तरह हम लोग बहुत डिसहार्ट हुए, तो बाकी लोग भी जो आ रहे थे वो भी डिसहार्ट होके जा रहे थे कि भाई इंजॉय करने लाते हैं बच्चों को, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि एनिमल्स देखने आते हैं तो एनिमल्स तो जू में है नहीं। इससे काफ़ी गुना बेहतर है लाहौर का जो चिड़ियाघर है वो काफ़ी गुना बेहतर है यहाँ कराची के चिड़ियाघर से, कराची के चिड़ियाघर का भी कराची जैसा हाल हो गया है। बाकी यहाँ पर स्लाइड नज़र आ गई तो सारे बच्चे यहाँ स्लाइड पर थे, तो अब्दुल्ला भी स्लाइड लेने लग गए, यहाँ पर स्विंग वगैरह और स्लाइड वगैरह थे, तो बस बच्चों के लिए यही इंटरटेनमेंट थी यहाँ पर, इसके अलावा कोई ख़ास इंटरटेनमेंट बच्चों के लिए थी नहीं। तो फिर अब्दुल्ला भी स्लाइड लेने लग गए, बाकी बच्चों को देख कर अब्दुल्ला भी गए स्लाइड पर और फिर स्लाइड लेने लग गए यहाँ पर। फिर मामा और बाबा जो है थोड़ा जाकर बैठे साइड पर और अब्दुल्ला को यहाँ छोड़ा कि वो थोड़ी देर खेल ले, थोड़ा इंजॉय कर ले, मूड जो है अच्छा हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का माइंड तो खेलने से ही फ्रेश होता है। तो फिर जो है अब्दुल्ला ने यहाँ पर काफ़ी देर अब्दुल्ला यहाँ खेलते रहे, फिर अब्दुल्ला ने यहाँ पर बच्चों को भी काफ़ी तंग किया, यहाँ बच्चों को थके मके मारता रहा अब्दुल्ला उसके बाद, क्योंकि अब्दुल्ला ना घर में टिक के बैठता है ना बाहर टिक के बैठता है, जो अब्दुल्ला हमारा घर में हाल करता है वो यहाँ बच्चों के साथ करना शुरू हो गया था। बच्चे भी आपको पता ही है कराची के कैसे होते हैं सारे, कोई भी कम नहीं होता। तो फिर जो है यहाँ पर बच्चे आपस में खेल रहे थे सब।
यहाँ पर फिर हम आ गए एक्वेरियम, तो एक्वेरियम भी माशाल्लाह से अच्छा था। और तो कुछ यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं था, बट एक्वेरियम जो था काफ़ी अच्छा था। छोटा सा एक्वेरियम था बट ऑर्गेनाइज था, अच्छा था, क्लीन था। फिशेस भी थी यहाँ पर ज़्यादा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस नहीं थी बट हाँ थी, फिशेस भी थी यहाँ पर। और लाइटिंग वगैरह मतलब सही था यहाँ पर, मतलब एक्वेरियम बस मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा ठीक है। और उसकी भी लेकिन चार्जेस अलग थे, यानी जो एंट्री चार्जेस होते हैं वो तो अलग होते हैं ना, लेकिन यहाँ एक्वेरियम पर उन्होंने अलग चार्जेस लगाए हुए थे। तो वो अलग जो है ना पर पर्सन अलग चार्जेस देकर आपको अंदर जाने दे रहे थे। तो यहाँ पर फिर हम अंदर अब्दुल्ला को लेकर आए एक्वेरियम में, क्योंकि एक ढंग की जगह जो थी एक्वेरियम ही लग रही थी। तो ये ग्लास एक्वेरियम था कंप्लीट यहाँ पर, और लेकिन अच्छा था। लेकिन अब्दुल्ला को पता नहीं क्यों यहाँ बैठने में डर लग रहा था। अब्दुल्ला का तो मतलब हर जगह अब्दुल्ला की एक्टिंग शुरू हो जाती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, बिला वजह, जबकि उसको डर वर नहीं लगता वक्ता ये, मतलब बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि डरे वरे, लेकिन ये कभी कभी जो है ना एक्टिंग इसकी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ थोड़ी देर में सेट हो गया था, फिर यहाँ बैठा हुआ था अब्दुल्ला, लेकिन एक्वेरियम फिर भी थोड़ा अच्छा था। तो यहाँ पर जो है अब्दुल्ला को ये चार्जिंग वाली कार्स नज़र आ गई, तो अब्दुल्ला ने सोचा कि मैंने ये चलानी है। तो फिर उसके बाद इसके अलग से चार्जेस होते हैं, फिर वो इसके चार्जेस पे किए, और फिर अब्दुल्ला को यहाँ पर चार्जिंग वाली कार जो होती है इसमें बिठाया। तो इसमें भी जो है अब्दुल्ला ने काफ़ी इंजॉय किया इसको, इसमें मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब कुछ रहता नहीं है करने को, तो फिर उसके बाद हमने घर जाना था। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।